आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉइजन ब्रैकेट के बारे में। पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइजन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग जानेंगे कि अगर इफ एफ एंड जी आर टू डायनामिक वेरिएबल विच आर फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूजे एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम पी जे देन पॉइजन्स ब्रैकेट ऑफ टू वेरिएबल एफ एंड जी इज डिफाइंड एज। अगर एफ और जी दो हमारे पास वेरिएबल है, डायनामिक वेरिएबल है, जो फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू जे और जनरलाइज मोमेंटम पी जे, तब हम लोग पॉइजन ब्रैकेट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एफ और जी, ये मेरा टू टू डायनामिक वेरिएबल है, पी भी पॉइजन ब्रैकेट, समेशन जे इज इक्वल टू वन एंड डेल एफ बाई डेल क्यू जे डेल जी बाई डेल पी जे माइनस डेल एफ बाई डेल पी जे और डेल जी बाई डेल क्यू जे। ये है पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्मूला। एफ जी पी वी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू वन एंड वन से लेके एन तक, फिर डेल एफ बाई डेल क्यू जे डेल जी बाई डेल पी जे माइनस, यहाँ हमेशा याद रखना है कि ये बीच में माइनस होगा, फिर डेल एफ बाई डेल पी जे और इंटू डेल जी बाई डेल क्यू जे, ठीक है। तो ये वो पॉइजन ब्रैकेट का डिफाइन और फार्मूला। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं इसका। इसका पहला प्रॉपर्टीज होता है एफ जी इज इक्वल टू माइनस जी एफ। पहले हम लोग पॉइजन ब्रैकेट इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि एफ जी इज इक्वल टू जो है माइनस जी एफ के बराबर है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग पॉइजन ब्रैकेट निकालते हैं, एफ जी पॉइजन ब्रैकेट फार्मूला, ये टोटल फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, समेशन जे इज इक्वल टू वन एंड डेल एफ बाई डेल क्यू जे डेल जी बाई डेल पी जे माइनस डेल एफ बाई डेल पी जे डेल जी बाई डेल क्यू जे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग निकालेंगे इसका माइनस जी एफ का, ठीक।
तो माइनस जी एफ, इसका पॉइजन ब्रैकेट हम लोग निकालते हैं तो इसका निकलेगा कुछ इस तरह। यहाँ माइनस माइनस अभी हम लोग बाहर में रख रहे हैं, फिर अंदर करेंगे माइनस को। एन पहले केस में क्या हो जाएगा, पहले होगा यहाँ जी है तो पहले डेल जी, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया है तो जैसे अंदर में होगा उसी तरह हम लोग अभी लिखेंगे, फिर माइनस को बाद में अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो डेल यू जे डेल एफ बाय डेल पी जे, फिर माइनस डेल जी बाय डेल पी जे इंटू डेल एफ बाय डेल क्यू जे। अभी तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इस फॉर्मूला में हम लोग जो यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट जो वेरिएबल का हम लोग निकाल रहे हैं उसको हमेशा कांस्टेंट रखना है ऊपर में। जैसे यहाँ एफ जी है तो एफ जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऊपर में। ये नीचे जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज मोमेंटम उसको हम लोग एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग माइनस को अंदर ले जाते हैं इसका, तो हम लोग पाएंगे माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो समेशन जे इज इक्वल टू वन एन, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो डेल जी बाई डेल पी जे और डेल एफ बाई डेल क्यू जे माइनस डेल जी बाई डेल क्यू जे और डेल एफ बाई डेल पी जे। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ माइनस को अंदर ले गया है तो ये प्लस हो गया, इसको इधर ले आए, और ये माइनस हो गया तो इसको इधर ले गए। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो मैच हो रहा है। यहाँ से देखिए डेल एफ बाई डेल पी जे, यहाँ भी डेल एफ बाई डेल पी जे, डेल जी बाई डेल क्यू जे, यहाँ भी डेल जी बाई डेल क्यू जे, फिर इधर देखिए डेल एफ बाई डेल क्यू जे, फिर यहाँ डेल एफ बाई डेल क्यू जे, फिर यहाँ डेल जी बाई डेल पी जे, डेल जी बाई डेल पी जे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू माइनस जी एफ। तो ये इसका हुआ प्रॉपर्टी पॉइजन ब्रैकेट का। और हम दो तीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कुछ इस प्रकार, एफ कोमा एक्स डॉट जी इज इक्वल टू एक्स एफ जी प्लस एफ एक्स जी। तो ये तो हो गया, ये इसको मतलब इतना बराबर इतना होता है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। तो पहले इसको हम लोग पॉइजन ब्रैकेट में इसको हम लोग लिखेंगे। पॉइजन ब्रैकेट को जो फॉर्मूला होता है उस पे ये एफ कोमा एक्स डॉट जी को हम लोग लिखेंगे। तो पहले पॉइजन ब्रैकेट इसका जो होता है जे इज इक्वल टू वन एन, फिर डेल एफ बाय डेल क्या होता है क्यू जे, फिर यहाँ डेल ये वाला पूरा टर्म एक्स डॉट जी डिवाइडेड बाय डेल पी जे, याद रहे कि यहाँ माइनस, फिर यहाँ डेल एफ बाय डेल पी जे, फिर यहाँ डेल एक्स डॉट जी, फिर यहाँ हो जाएगा डेल क्यू जे। ठीक है, अब हम लोग ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे क्योंकि दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए दोनों को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, दोनों को अलग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जे इज इक्वल टू वन एन, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। डेल एफ बाई डेल क्यू जे बाहर निकाल दिए। अब ये अंदर में ऑल ब्रैकेट रह करेगा और फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार एक्स के और एक बार जी को लेके। ठीक है, यू भी वाला फॉर्म में। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, एक बार हम लोग एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, फिर डेल जी बाई डेल पी जे प्लस, फिर हम लोग एक बार जी को बाहर निकालते हैं डेल एक्स बाई डेल पी जे। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार इसमें हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल पी जे ब्रैकेट, फिर इसमें एक्स को एक बार हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर डेल जी बाई डेल क्यू जे, और प्लस फिर जी को एक बार बाहर निकालेंगे, डेल एक्स बाई डेल क्यू जे, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इंटू करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है उसको एक साइड ले आएंगे, कॉमन कर लेंगे, और जहाँ जहाँ जी है उसको दूसरा साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 n। अब हम लोग को यहाँ एक्स कॉमन लेना है, तो एक्स इसमें है और इसमें है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ इंटू कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल क्यू जे, फिर इसको डेल जी बाई डेल पी जे। ठीक है, फिर अगर यहाँ मेरा एक्स है तो एक्स हमने यहाँ कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस हम लोग देंगे डेल एफ बाई डेल पी जे, ये वाला टर्म को लिख रहे हैं, इंटू इसको इंटू कर रहे हैं, तो डेल जी बाई डेल क्यू जे, ये वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से जी को अब हम लोग करेंगे, तो जी को अगर हम लोग कॉन्स्टेंट लेते तो ये प्लस में है, तो जी प्लस में आ जाएगा, फिर यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि इसके साथ इसको इंटू करते हैं, तो डेल एफ बाई डेल क्यू जे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे डेल एक्स बाई डेल पी जे। ठीक है, फिर इधर वाला टर्म आ जाएगा, ये इस बार वाला पार्ट को हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे, तो माइनस डेल एफ बाई डेल पी जे इंटू ये वाला टर्म डेल एक्स बाई डेल क्यू जे। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, यहीं पर हो गया इसका काम। अब तो इजी है, यहाँ देखिए ये फिर पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्म में आ गया, उसका फॉर्मूला में डेल एफ बाई डेल क्यू जे डेल जी बाई डेल पी जे माइनस डेल एफ बाई डेल पी जे इंटू डेल जी बाई डेल क्यू जे। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला टर्म, तो हम लोग यहाँ और एफ एक्स डॉट जी इज इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ एक्स इसका तो अगर हम लोग निकालें तो इसका फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा एफ कॉमा जी, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ जी, और फिर ये आ जाएगा एफ एक्स है मेरा टू वेरिएबल, तो एफ और एक्स को यहाँ हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच हो रहा है, तो ये प्रूव हो गया। ये इसका पॉइजन ब्रैकेट का सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को देखेंगे और पॉइजन ब्रैकेट का प्रॉपर्टी को जो है समझने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ थर्ड है, थर्ड में मेरा है एफ वन प्लस एफ टू कोमा जी, एफ वन जी प्लस एफ टू जी। ठीक है, इसका हम लोग को पॉइजन ब्रैकेट निकालना है और इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मूला में लिख देते हैं इसको, तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 n, इसका अगर फॉर्मूला में हम लोग लिखें तो डेल एफ वन प्लस एफ टू डिवाइडेड बाई डेल क्या क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ डेल जी बाई डेल पी जे जनरलाइज मोमेंटम माइनस, ठीक उसी प्रकार से डेल एफ वन प्लस एफ टू डेल पी जे इंटू डेल जी बाई डेल क्यू जे। अब हमको इसको हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, ये तो प्लस में है इसीलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसको इंटू करके अलग कर देंगे, तो अब हम लोग देखते हैं अलग करने पर ये कैसे मिलता है। तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 n डेल एफ वन, इसको इंटू कर देते हैं, और डेल क्यू जे,
अब हम लोग इसको इंटू कर देते हैं, तो डेल जी बाई डेल पी जे, और ठीक उसी प्रकार से प्लस डेल एफ टू डेल क्यू जे, इसको हम लोग वही रखें इन, फिर इसको हम लोग इंटू कर देते हैं डेल जी बाई डेल पी जे। ठीक इसी प्रकार से इधर वाला टर्म डेल एफ वन बाई डेल पी जे, फिर इसको इंटू कर देते हैं तो डेल जी बाई डेल क्यू जे, यहाँ माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, डेल एफ टू डेल पी जे इंटू डेल जी बाई डेल क्यू जे। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर अब हम लोग काम क्या करते हैं, वन वाला टर्म को एक साइड और एफ टू वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो समेशन जे इज इक्वल टू वन एन डे एफ वन वाला टर्म को एक साइड, डेल एफ वन डेल क्यू जे डेल जी डेल पी जे, फिर माइनस डेल एफ वन डेल पी जे डेल जी डेल क्यू जे। ये एफ वन वाला टर्म एक साइड हो गया, फिर प्लस एफ टू वाला टर्म एक साइड, डेल एफ टू डेल क्यू जे डेल जी डेल पी जे माइनस डेल एफ टू डेल पी जे डेल जी डेल क्यू जे। ठीक है, एफ वन और एफ टू वाले टर्म को दोनों को अलग अलग कर दिए हम लोग, एक साथ लिख दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एफ वन प्लस एफ टू कोमा जी जो है, ये जो है इसके बराबर हो गया है। तो इसको हम लोग जो पॉइजन ब्रैकेट का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ वन जी प्लस एफ टू जी, क्योंकि जो पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ मेरा टू वेरिएबल है एफ वन और जी, तो यहाँ डेल एफ वन बाई डेल क्यू जे और डेल जी बाई डेल पी जे माइनस डेल एफ वन बाई डेल पी जे इंटू डेल जी बाई डेल क्यू जे। ठीक इसी प्रकार से ये भी प्रूव हो गया। तो ये हम लोग तीसरा पॉइजन ब्रैकेट का प्रॉपर्टी देखें, तो पॉइजन ब्रैकेट का प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका डिफिनेशन और फार्मूला भी जाने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।